अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस एजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन विद अनीस एजाज। वी आर हेयर टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ऑल काइंड ऑफ टेस्ट लाइक PPSC, FPSC, NTS, OTS, PTS, CSS, PMS। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा आज हम किन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर MCQs, कंप्यूटर से रिलेटेड जो बार बार पूछे जाने वाले सवालात हैं। टेस्ट हो गए, कोई भी किसी किस्म का टेस्ट हो गया, जो उनमें पूछे जाने वाले कंप्यूटर के सवाल आते हैं उनके मुताबिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? एलन टर्निंग, चार्ल्स बबेज, स्यूमर क्रे, अगस्टा डेमिंग। इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बबेज, और ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा गया है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़, कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है? ALU, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, CPU। तो करेक्ट आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का मौजद कौन है? चार्ल्स बबेज, विंडग्रेफ, डेनिस रिची, मार्टिन कूपर। तो इसका करेक्ट आंसर है विंडग्रेफ। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कंपैक्ट डिस्क? कंपैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेज़र। तो इसका करेक्ट आंसर है लेज़र। WWW स्टैंड्स फॉर? WWW किसका एब्रिविएशन है? वर्ल्ड होल वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो पहला कंप्यूटर था वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके बनाया गया? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। सो इसका करेक्ट आंसर है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU इज़ एब्रिवेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल बाय सॉर्टिंग देम इन। ऑप्शंस हैं आर्काइव्स, फोल्डर्स, इंडेक्सेस, लिस्ट्स। सो करेक्ट आंसर है फोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को हम और क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं स्पैम, स्पूफ, स्निफर स्क्रिप्ट, स्पूल। सो करेक्ट आंसर इज स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन स्टैंड्स फॉर, वैन किसका एब्रिवेशन है? ऑप्शंस हैं वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड अरे नेट, वायरलेस एरिया नेटवर्क। सो करेक्ट आंसर इज वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VGA स्टैंड्स फॉर, VGA किसका एब्रिवेशन है? ऑप्शंस हैं वीडियो ग्राफिक रे, विजुअल ग्राफिक रे, वोलेटाइल ग्राफिक रे, वीडियो ग्राफिक्स अडॉप्टर। सो करेक्ट आंसर इज वीडियो ग्राफिक्स रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज, मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? ऑप्शंस हैं बाइट, मेगाबाइट, बिट्स, गीगाबाइट्स। सो करेक्ट आंसर इज बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML इज एन एब्रिवेशन ऑफ, HTML किसका एब्रिवेशन है? ऑप्शंस हैं हेक मीनिंगफुल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मीनिंगफुल लैंग्वेज, हेच मार्कअप लैंग्वेज,
Hypertext markup language. So correct answer is hypertext markup language. Next question hai, is a device from where the information is sent. Options hain transmitter, spreadsheet, simulation, modulation. So correct answer is transmitter is a device from where the information is sent. Next question hai, FTP is an abbreviation for. FTP किसका abbreviation है. Options हैं file transfer position, file transfer protection, file transfer protocol, file transfer possibility. So correct answer is file transfer protocol. Next question, CBT stands for. CBT किसका abbreviation है. Options हैं computer based training, computer based trading, computer based technology. None of these. So correct answer is computer based training. Next question, a virus that replicates itself is called. Ek virus jo apne aap ko bar bar dohrata hai use kya kaha jata hai. Bug, worm, bomb, hawks. So correct answer is worm. Next question, SQL stands for. SQL kis cheez ka abbreviation hai. Options hain structured query language, sequential query language, simple query language. None of these. So correct answer is structured query language. Next question, another name for free software is. Free software ka dusra naam kya hai. ऑप्शंस हैं इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर, कॉपी प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर. सो करेक्ट आंसर इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर निबल्स आर इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स. फोर निबल्स कितनी बाइट्स के बराबर होती हैं. ऑप्शंस हैं फोर बाइट्स, फाइव बाइट्स, सेवन बाइट्स एंड टू बाइट्स. सो इट्स करेक्ट आंसर इज टू बाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी बिट्स. सो ऑप्शंस हैं सिक्स बिट्स, सेवन बिट्स, एट बिट्स, नाइन बिट्स. करेक्ट आंसर इज एट बिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, DPI स्टैंड्स फॉर. DPI किसका एब्रिवेशन है. ऑप्शंस हैं डॉट पर इंच, डेसिमल पर इंच, डिजिटल पर इंच, डेटा पर इंच. सो इट्स करेक्ट आंसर इज डॉट पर इंच. नेक्स्ट क्वेश्चन, गीगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स. ऑप्शंस हैं 1024 बिट्स, 1032 मेगाबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स. सो करेक्ट आंसर इज 1024 मेगाबाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम. जॉन नेपियर ने लॉगरिथम को कब डेवलप किया था. ऑप्शंस हैं 1414, 1641, 1804. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1614. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस. इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है. ऑप्शंस हैं हमारे पास टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या ऑल ऑफ द अबव. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ये तमाम के तमाम हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर. DMA किस चीज़ का एब्रिवेशन है. ऑप्शंस हैं डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन. करेक्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है. ऑप्शंस हैं एवेरा, कैस्पर्सी, ओरेकल, मैककैफे. सो करेक्ट आंसर इज ओरेकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 1401 इज इक्वल टू. IBM 1401 इज. ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर,
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, ऑप्शंस है हमारे पास 1949 टू 1955, 1956 टू 1965, 1965 टू 1970, 1970 टू 1990। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एंड इट्स 1956 टू 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, ऑप्शंस हैं ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एंड इट्स आंसर इज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, आउटपुट डिवाइस की मिसालें दें, ऑप्शंस हैं स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर एंड ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शंस हैं हमारे पास कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनजी इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द, पीएनजी कौन सी फाइल की एक्सटेंशन होती है? सो इसका आंसर है इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का करंट सीईओ कौन है? ऑप्शंस हैं बबिज, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, स्टैन नडेला। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, स्टैन नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज स्टैंड फॉर, डोज किसका एब्रिवेशन है? ऑप्शंस हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ओपन सिस्टम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक बाकी आने वाली वीडियोस पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।